हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एक्सेल की है और एक्सेल में एक कमाल की ट्रिक बताऊंगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही कॉलम में नेम, सिटी का नेम, स्टेट का नेम और कंट्री का नेम चारों एक ही कॉलम में लिखा हुआ है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इसे सेपरेट किया जा सके, ये अलग अलग कॉलम में अपने आप आ जाए, कुछ ऐसा किया जाए? एक तरीका बहुत आसान है जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कहाँ आना है, आपको आना है डाटा टाइप पे। ये डाटा टाइप आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा, यहाँ पर आकर के टेक्स्ट टू कॉलम पे चले जाइएगा। ये टेक्स्ट टू कॉलम आई होप कि आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा, तो क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछे यहाँ से आपको टेक्स्ट करना है और यहाँ से फिनिश करना है। तो आप देखेंगे कि सारा अलग अलग सेल में अपने आप चला गया है। ठीक है, आई होप कि ट्रिक अच्छी लगी होगी।